रोहतक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की जान को खतरा बताने वाले हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने अब अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम को जेल में किसी तरह का खतरा नहीं है। जेल मंत्री ने कहा कि रोहतक में कार्यक्रम के दौरान उनकी जुबान फिसल गई थी और गलती से अकाली दल का नाम लिया गया। अकाली दल कुर्बानियों से पैदा हुई पार्टी है। बता दें कि मंगलवार को सुनारिया जेल में जीरो बजट खेती पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में सभी कैदी शामिल हुए, लेकिन गुरमीत राम रहीम को इससे दूर रखा गया। जेल मंत्री ने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि राम रहीम को बब्बर खालसा व अकाली दल से खतरा है। मंत्री ने यह भी कहा था कि राम रहीम को खतरे के चलते पूर्व की हुड्डा सरकार के समय उसे जेड प्लस सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई गई थी। जेल मंत्री द्वारा अकाली दल का नाम आने से सियासी तूफान मच गया। अकाली दल ने भाजपा के नेतृत्व के सामने मामला उठाया तो पार्टी में हलचल मच गई। विवाद बढ़ता देख जेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने हरियाणा की जेलों को सुरक्षित बताया और कहा कि राम रहीम को किसी से कोई खतरा नहीं है। अकाली नेताओं ने भाजपा हाईकमान पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि हरियाणा के जेल मंत्री को साफ करना चाहिए कि राम रहीम को किस अकाली दल से खतरा है। जेल मंत्री के बयान पर विपक्षी दलों ने चुटकी ली कि जेल मंत्री खुद ही जेल में बंद कैदी की जान को खतरा बता चुके हैं, यानी जेल सुरक्षित नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला का पहले और अब का वो बयान जिसमें वो अपनी सफाई दे रही हैं। पहले आप सुनिए जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने क्या कुछ कहा। सही बताओ, अंदर वो जहाँ है अब तक किसी से वो मिले भी नहीं, किसी से दूसरे कैदियों को देखे ना, वो अलग तरीके से उन्हें रखा गया है। इस करके हम कोई भी चीज़ें हैं जब तक इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो, हमारे होम मिनिस्टर से नहीं पूछे, हम कोई बात अपने रिस्क पे नहीं लेना चाहते। हमारा काम था लोगों को जैविक खेती के लिए उन्हें समझाने के बाद, वो गवर्नर साहब का हमने समय दिया, मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। हमने हमारा काम करना था, सब जगह उन्होंने आप मीडिया को भी बताया। राम रहीम किन कारणों से, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, पर राम रहीम के साथ आपने देखा है कि उनके साथ 200 गाड़ियां काफले में साथ रहती हैं। सब हुड्डा साहब ने तो पूरे जैमर लगा के उनको दे रखे थे। सुरक्षा को तो खतरा था, मीडिया जानता है इस बात को, मेरे पे इस बात को ले रहे हो। तो कल जो वहाँ हमने माननीय हमारे गवर्नर साहब आए हुए थे गुजरात से, तो एक प्रोग्राम उन्होंने मुझे अपनी इच्छा जाहिर करी तो मैं जेल में करना चाहता हूँ, थोड़ा कैदी ठीक हो तो आप, मैंने डीजीपी और अपने सब जेल स्टूडेंट बुला लिए, मैं भी वहीं था। और वहाँ जब सारी बातें हम करके बाहर आ गए तो मीडिया कहने लगा कि जी उन्हें बुलाए थे क्या? जी उन्हें नहीं बुलाए थे, उनकी कुछ सुरक्षा के कारण है, सिक्योरिटी का, उनको अलग एक जगह रखा गया है, तो वो आम जेल में लोगों से मिलते उनका मिलना भी नहीं होता, तो वो खाली सिक्योरिटी रीजन से। मैं कहने का भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें होम मिनिस्ट्री, कई चीज़ें इन्वॉल्व है, इस करके हम उन्हें उनके सुरक्षा के कारणों से नहीं, तो उनकी सुरक्षा के कारण मैं कहने का भी, जैसे बब्बर खालसा का भी थ्रेट है इंटरनेशनल, एक अकाली दल का नाम गलती से बब्बर खालसा के साथ दिया गया, कोई अकाली दल का उससे नहीं, मेरी उनसे बात भी हुई, कोई ऐसा कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा था, बाकी बातें आपके सामने हैं, जो है उसको मीडिया भी जानता है, मैं भी। वहीं जब यह मामला हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा में जेलों की सुरक्षा मजबूत है, हमारी पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करती है, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा की जेल में सब महफूज है, राम रहीम की जान को खतरे के संबंध में कोई सूचना नहीं है, उन्हें किसी तरह का अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जेल मंत्री ने मीडिया में जो बयान दिया वह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए ये व्यक्तिगत विषय होते हैं, किसको किससे खतरा है वो उसकी सावधानी हमारे पुलिस बल इन्वेस्टिगेट करते हैं, नजर रखते हैं, इंटेलिजेंस का काम होता है, जो भी कोई किसी को खतरे की बात आएगी हमारी सुरक्षा पूरी उनको मिलेगी, हम किसी को हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की कोई हानि किसी को हो इसके लिए बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे। हमारी पुलिस, हमारा इंटेलिजेंस ये बहुत सशक्त माध्यम है इन सब चीजों को उचित प्रबंध करते हैं। ये व्यक्तिगत विषय होते हैं, किसको किससे खतरा है वो उसकी सावधानी हमारे पुलिस बल इन्वेस्टिगेट करते हैं, नजर रखते हैं, इंटेलिजेंस का काम होता है, जो भी कोई किसी को खतरे की बात आएगी हमारी सुरक्षा पूरी उनको मिलेगी, हम किसी को हरियाणा के अंदर किसी प्रकार की कोई हानि किसी को हो इसके लिए बिल्कुल भी हम होने नहीं देंगे। हमारी पुलिस, हमारा इंटेलिजेंस ये बहुत सशक्त माध्यम है इन सब चीजों को। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।